नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं सम्मेलन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब तो अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया, अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए, कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। यह है दमदार बात। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछे एक बार विपक्षी नेताओं को, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया है कांग्रेस ने, अगर प्रदेश में बदहाली है, अव्यवस्था थी, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होता। हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद, और आज तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था, अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी हार्डवेयर के क्षेत्र में। आज भी अलीगढ़ का कारीगर बहुत अच्छा काम करता है। सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इनसे पूछा जाना चाहिए। एक एक जनपद के उत्पाद को आज प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। वहातरस की हींग हो, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग 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 जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यह कार्य पहले भी हो सकता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में आपने देखा होगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को, वह लोहार है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, स्वर्णकार है, हलवाई है, मोची है, धोबी है,
यानी ये गांव में निवास करने वाला जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है, इन सब के निश्चित प्रशिक्षण के दौरान निश्चित मानदेय, फिर इन्हें बैंकों के साथ जोड़ना, फिर इनको जोड़ने के साथ इनकी आजीविका को बढ़ाना, इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करना। माटी कला बोर्ड के माध्यम से आपने देखा होगा गांव गांव में मिट्टी के दिया मूर्तियां मिल रही हैं, ये काम चीन क्यों हमें देगा। यूपी सरकार के निर्देश के बाद अलीगढ़ में 28 तारीख से लगने वाले दीपावली उत्सव मेले के लिए आज नगर निगम के नगर आयुक्त गौरंग राठी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में अलीगढ़ महानगर के विभिन्न व्यवसायियों को स्थान दिया जाएगा। इस दौरान मंच के माध्यम से कई प्रकार के नाटकीय मंचन भी किए जाएंगे, साथ ही डांडिया और मथुरा रसिया दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बता दें कि कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद किया जा रहा है। यहां पर एक LED टीवी भी लगाई जाएगी, जिस पर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान भी किया जाएगा। तो अलीगढ़ में दीपावली उत्सव मेले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि नगर आयुक्त पूरी तरह से तैयार है, इसको लेकर तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। तो नाटकीय मंचन, डांडिया, मथुरा रसिया दंगल का भी आयोजन इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। शासन की मंशा और निर्देशानुसार 7 दिन का एक महाआयोजन दीपावली के उत्सव पर के अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये 7 दिवसीय होगा। मुख्य उद्देश्य इसमें है कि हम जो स्वयं सहायता समूह हैं, पथ विक्रेता हैं, और जो हस्तशिल्प और लोकल कलाकार हैं, उनको एक पटल प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी प्रतिभा को और अपने कार्य को दिखा सकें। इसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई है, जिससे कि एक महोत्सव का स्वरूप मिले कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक और व्यक्तियाँ प्रतिभाग कर पाएँ। इसके साथ साथ जो कौशन स्वरूप हम लोगों ने COVID-19 का प्रोटोकॉल ढंग से फॉलो हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में रामलीला के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जहां रामलीला के नाम पर अश्लील डांस करवाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अनजान नजर आ रहा है। रामनगर थाना क्षेत्र में स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी की तस्वीरें जहाँ पर रामलीला मंच पर अश्लील डांस परोसा जा रहा है, बारबालाओं के ठुमके यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बाराबंकी में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बाइक सवार 4 असलाधारी बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लखनऊ के 2 युवकों से 7.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं जिले के नए SP अनुराग वत्स के कार्यभार संभालने के 12 घंटे के अंदर हुई ये वारदात SP के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मामले की जानकारी मिलते ही SP ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया है और पीड़ितों से पूछताछ की है। फिलहाल मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल बाराबंकी में बेखौफ लुटेरे लगातार आतंक मचा रहे हैं, जहां बाइक सवार 4 असलाधारी बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी, लखनऊ के 2 युवकों से करीब 7.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। वहीं जिले के नए SP अनुराग वत्स के कार्यभार संभालने के 12 घंटे बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद SP के लिए बड़ी चुनौती है। मामले की जानकारी मिलते ही SP ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया है, पीड़ितों से पूछताछ भी की। फिलहाल मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, साथ ही साथ परिवार को सांत्वना भी दी है। बाराबंकी में 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर दूसरे समुदाय के एक युवक ने बच्ची को निहवस का शिकार बनाया। वहीं जब बच्चे के परिजन घर लौटे, तब बच्ची ने उन्हें आपबीती बताई, जिसके बाद बच्चे के पिता की तहरीर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन भी की जा रही है।
बाराबंकी के रामसनही घाट कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हमारे यहाँ जो है जमीले नाम का एक आदमी आया है और जो है लड़की से पूछा तेल दीजिए, लड़की ने बोला तेल नहीं है, कोल्हू मशीन ख़राब है इस समय। तो उसने बोला चलो ये मशीन दिखाइए। तो लड़की गई दिखाने, वो साथ में गया, वो जो है वहाँ पे पकड़ लिया और दांते वाते काटा है और बलात्कार किया है। साल की मासूम से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरुखाबाद में दो पक्षों की आपसी लड़ाई में जमकर मारपिटाई हो गई है। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और झोपड़ी में आग भी लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने खुद ही अपनी झोपड़ी में आग लगाई। वहीं अब झोपड़ी में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम रुद्यान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फरुखाबाद की तस्वीरें जहां पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में आपस में लाठी डंडे चले हैं और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के झोपड़ी पर आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फरुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दो पक्षों की आपसी लड़ाई में जमकर मारपिटाई होते देखी गई है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और झोपड़ी में आग लगा दी गई। जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने खुद ही अपनी झोपड़ी में आग लगाई है। वहीं अब झोपड़ी में लगी आग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्रमफिल थाना क्षेत्र के ग्राम रुद्यान का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फरुखाबाद की तस्वीरें जहां पर किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। फतेहपुर में बिना परमिशन के बार बालाओं का डांस कराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान ये बार बालाओं का डांस करवाया गया। वीडियो में कई लोग डांस का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है फतेहपुर में बिना परमिशन के बार बालाओं का डांस करवाया गया हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अढौरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर की तस्वीरें जहां पर बार बालाओं के ठुमके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। आपको बता दें कि कोई निजी कार्यक्रम था, इसी दौरान बार बालाओं का डांस यहां पर परोसा गया है और काफी भीड़ देखी जा सकती है। तो बिना परमिशन के बार बालाओं का डांस कराने का ये पूरा मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि एक कार्यक्रम के दौरान ये बार बालाओं का डांस करवाया गया था। वीडियो में कई लोग डांस का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, पहला मौका नहीं है कि फतेहपुर में बिना परमिशन के बार बालाओं का डांस करवाया गया हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अढौरा का एक पूरा मामला है। फिलहाल इसकी लिखित शिकायत दे दी गई है। जल्द ही इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात पुलिस कहती हुई नजर आ रही है। तो फतेहपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिना अनुमति के बार बालाओं का डांस करवाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक और जहां केंद्र से लेकर यूपी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही वीडियो फिरोजाबाद से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कार की सफाई करती नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो फिरोजाबाद के टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात महिला टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संजीव वर्मा की कार को साफ करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर अक्सर इन महिला सफाई कर्मियों से अपनी गाड़ियां साफ कराते हैं। इससे ये साफ है कि सरकार के आदेश पर ये अधिकारी महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर दिखावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जो इस वीडियो में साफ देखी जा सकती है। फिरोजाबाद की तस्वीरें जहाँ पर महिला सफाई कर्मचारियों से अपनी गाड़ियाँ साफ कराते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जहां एक ओर केंद्र से लेकर यूपी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी इस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जी हां, अधिकारियों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एक ऐसा ही वीडियो फिरोजाबाद से सामने आया है जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कार की सफाई करते नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो फिरोजाबाद के टूंडला सामुदायिक केंद्र का बताया जा रहा है, जहां सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात महिला टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संजीव वर्मा की कार को साफ करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर अक्सर इन महिला सफाई कर्मचारियों से अपनी अपनी गाड़ियां साफ कराते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के आदेश पर ये अधिकारी महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते तो हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है जो उस वीडियो में नजर आ रही है। गोंडा में विद्युत विभाग ने 600 बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। बता दें कि जिले में 50,000 से ज्यादा के बकायेदार वाले बिजली उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर रहा है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन की शक्ति को देखकर बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि विद्युत विभाग ने राजस्व जुटाने के लिए खास तैयारी की है। वहीं जिन वेंकटरमन ने कहा है कि एक मुश्त समाधान स्कीम में सहूलियत दी जा रही है, उपभोक्ता इसका लाभ उठाएं, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। गोंडा की तस्वीरें, विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है जिससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 600 बड़े बकायेदारों के खिलाफ ये आरसी जारी की गई है, जिसके पास बाकी जो उपभोक्ता हैं जो बिजली का पादर इस्तेमाल करते हैं उन पर कहीं ना कहीं ये तलवार लटकी हुई है। तो गोंडा में विद्युत विभाग ने 600 बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। बता दें कि जिले में 50,000 से ज्यादा अधिक की बकायेदार वाली बिजली उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ रिकवरी नोटिस लगातार जारी कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन की शक्ति को देखकर बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं कि विद्युत विभाग ने राजस्व जुटाने के लिए खास तैयारी की है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक मुश्त समाधान स्कीम में सहूलियत दी जा रही है, उपभोक्ता इसका लाभ उठाएं, वरना आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखी जाएगी। हमीरपुर के राठ कस्बे में जिला पूर्ति अधिकारी राम जतन यादव, जिला अभिहित अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तहसीलदार के नेतृत्व में छापेमारी कर कार्रवाई की है। छापेमारी के बारे में बताते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी राम जतन यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर हमीरपुर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के द्वारा खाद्य तेल और रिफाइंड के कारोबारियों के यहाँ छापेमारी के लिए एक टीम का गठन किया गया और जिलाधिकारी के आदेशानुसार ही टीम ने राठ कस्बे के उरई बस स्टैंड के पास देवेंद्र ट्रेडर्स की दुकान पर छापेमारी की, जहां 17 रिफाइंड के ड्रम मिले हैं। वहीं कुछ ड्रम में संदिग्ध तेल मिलने पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर की तस्वीरें, जहां पर खाद्य तेल और रिफाइंड के कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद ये छापेमारियाँ अलग अलग जगहों पर लगातार की जा रही है। देखिए, शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि विगत कुछ महीनों में खाद्य तेल जो है उसका रेट बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित की है जनपद में। उसी टीम द्वारा आज हम लोग यहाँ पे राठ में इन व्यापारियों के यहाँ औचक रूप से छापा मारे हैं, जिसमें दो व्यापारी जो हमारे मुख्य व्यापारी हैं उपेंद्र ट्रेडर्स और ये फ्यूचर वन करके है जो ब्रांडेड यहाँ निकालते हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने स्टॉक देखा है और स्टॉक लिमिट तो सही पाई गई है, स्टॉक लिमिट के अंतर्गत ही पाया गया है। पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने शहर के एक मैरिज हॉल में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की और चारों विधानसभाओं का हाल जाना। इसके दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। महिलाओं के 40% आरक्षण पर हम विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। 2017 में हमारा कांग्रेस से गठबंधन था और क्या हाल हुआ था सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी घोषणा करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। आपको बता दें कि पीलीभीत पहुंचे सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस पर हमलावर होते हुए वो नजर आए। देखिए, एक जमाना था यहाँ कांग्रेस मजबूत थी,
आज कांग्रेस कोई जमीन पे नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं मेरा कुछ आधार बाढ़। पिछले प्रियंका गांधी आया भाजपा का खिलाफ प्रचार करेगा तो बहुत अच्छा है, भाजपा का वोट जितनी घट जाएगा उतनी हम लोग का लाभ होगा। नोएडा के थाना फेज टू क्षेत्र के इलाहाबाद गांव में देर रात एक अधिवक्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक अधिवक्ता निशांत देर रात घर लौट रहे थे तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अधिवक्ता को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या आपसी रंजिश के कारण किए जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि 4 टीमों का गठन कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच भी की जाएगी। ये थाना फेज टू को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यथार्थ हॉस्पिटल में निशांत नाम के एक शख्स को एडमिट कराया गया था जहां इनकी मृत्यु हो गई है। निशांत इलाहाबाद के रहने वाले थे, पेशे से अधिवक्ता थे और इनकी गोली लगने से जो है वो मृत्यु हो गई है जैसा जानकारी में निकल करके आया है। परिवारजनों से बात की गई है, इसमें कुछ बिंदुओं पर उनके द्वारा सूचना दी गई है। इसमें जो इनके परिवार के लोग थे उनसे जमीन का जो है वो एक विवाद इनका चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था और इसके अलावा इनकी सिस्टर का भी जो है वो ससुरालजनों से विवाद चल रहा था। इन दोनों पहलुओं पर जो है गहन जांच चल रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, घटना के अनावरण के लिए जो है 4 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सहारनपुर के देवबंद तहसील क्षेत्र के शाहपुर ग्राम में सम्राट मीर भोज महान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं इस मौके पर चौधरी मुखिया और अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान योगेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सम्राट मीर भोज की प्रतिमा लगवाने का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले और वही सीखे कि हमारे बड़ों ने कितने अच्छे कार्य किए हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी रास्ते और दिशा पर अग्रसर हो और आगे बढ़े। जनता पार्टी के लिए गुर्जर समाज केवल जो चुनावी हिंदू है, जब गुर्जर सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट रहे, हिंदू सम्राट रहे, जिन्होंने जिनके परिवार ने जिनके वंश ने कई सौ वर्षों तक देश की रक्षा की, वो उनके मुख पे कालिक पोतने में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा कहना है कि हम क्या केवल चुनावी हिंदू हैं। आज आदरणीय रविंद्र भाटी जी बड़े भाई जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गुर्जर विकास परिषद के, अखिल भारतीय गुर्जर विकास परिषद के, उनके द्वारा गांव शाहपुर तलेड़ी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की बोर्ड का अनावरण किया गया है और ये उसी क्रम में है जिसमें 22 सितंबर को योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गुर्जर समाज का जो अनावरण किया था, गुर्जर समाज का जो उन्होंने अपमान किया था गुर्जर शब्द पर कालिक पोत के। 2 साल से खंडहर में तब्दील हो चुके तमकुही रोड अहिरौदान मार्ग को जिम्मेदार अधिशासी अभियंताओं ने लूट खसौट का अड्डा बना दिया है। इनके भ्रष्टाचार और सड़क निर्माण गड्ढा मुक्त के नाम पर एक ही काम का 3-3 बार किए गए फर्जी भुगतान के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कमरेड ललन राय के नेतृत्व में भुलिया बाजार में आंदोलन किया गया। आंदोलन में मौके पर आए पीडब्ल्यूडी के अभियंता संतोष विश्वकर्मा ने 15 दिनों के अंदर गिट्टी गिराकर रोलर चलाकर गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। वहीं वादे से मुकरने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 अक्टूबर से 5 सूत्रीय मांगों के पूरा होने तक पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और सभा करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।